Hello friends, I am Dr. Aman Rai. I did my MBBS from BRD Medical College, Gorakhpur. I was also an ex-starian. I was a regular student of Star PMT tutorials. Friends, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत ही हाई टाइम चल रहा है, क्योंकि एग्जाम सर पे हैं और इसी बीच में कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो गया है, तो जिसकी वजह से टेंशन बढ़ गई है, सबको बढ़ गई है, ये नॉर्मल भी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हार नहीं मानना है, हम हार नहीं मान सकते हैं इस टाइम। स्टार की वैल्यूज में हार मानना नहीं सिखाया गया है, लगे रहना है। इस टाइम जीतेगा वही जो टिका रहेगा, है ना, क्योंकि ये इस दो महीने में बच्चे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इस समय उनको छुट्टी मिल गई है, खाली टाइम मिल गया, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, तो सब लोग डिस्ट्रैक्टेड, बहुत मैक्सिमम बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कि ले आओ मोबाइल में चेक कर लें क्या हुआ, क्या केस है, क्या नहीं है, और ये नॉर्मल है, ये इस समय हो रहा है सबके साथ। लेकिन हमें इस समय ये नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें वही कर सकते हैं, तो बेहतर है कि हम पढ़ाई करें। और पढ़ाई करने में भी क्या है, कुछ नया नहीं पढ़ना है हमें, जितना पढ़ाया गया है, जितना टीचर्स ने पढ़ा दिया है, सारे टीचर लोग इतना बढ़िया पढ़ाते ही हैं, तो सारे टीचर्स ने इतना अच्छा नोट्स दिए हैं, उन नोट्स को रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं लगाने हैं। ऐसा भी नहीं है कि अब इस समय बैठ के पुरानी गाइड बुक कोई खोले, प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, 10 साल 15 साल 20 साल जो भी है आपके पास, उसको उठाए, उसको रिवाइज कर डाले, फिर अपने नोट्स को रिवाइज किए। जितने बार नोट्स को रिवाइज ज्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा। याद रखिए, रोटी इसीलिए जलती है क्योंकि पलटी नहीं जाती है, तो इट्स बेटर कि अपनी रोटी को जलने ना दें। इसका मेरा मतलब है कि अपने नोट्स रिवाइज करते रहें और अपनी नॉलेज को वेस्ट ना करें। दूसरी चीज ये है, सबसे ज्यादा कॉमन दिक्कत मेडिकल स्टूडेंट्स को फिजिक्स में आती है, तो फिजिक्स के लिए क्या करें, फॉर्मूले रिवाइज करें, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएं। दो फॉर्मूला रिवाइज किया, दो फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन लगाए, देख लिया पैटर्न क्या है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर आगे बढ़े। ऐसे करते करते सब खत्म करना है। सबसे क्रूशियल काम क्या करना है, फोन स्विच ऑफ रखना है। पढ़ाई के टाइम फोन स्विच ऑफ रखिए, फोन सिर्फ तभी यूज करिए जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। स्टार ने इतना अच्छा एक प्रावधान दिया है सबको, है ना, स्टार पे की स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल की यूट्यूब पेज है, उस पर सारे लेक्चर्स अपडेट होते रहते हैं, तो आप बेहतर है अपने सारे लेक्चर्स उस पर पढ़ सकते हैं। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सर को पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं कि सर इस पे लेक्चर बना दिए, इस पे वीडियो बना दीजिए, तो सर उस पे बना के आपको डाल देंगे। आप अपनी हेल्प, आप इस समय जाहिर सी बात है सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो परेशानी भी हो रही होगी, तो इट्स बेटर कि आप अपनी जो भी दिक्कत हो टीचर से डायरेक्ट कंसल्ट करिए। सारे टीचर्स आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल हैं, रात में नहीं, ऑब्वियसली रात में सबको सोने का टाइम होता है, तो मतलब जो वर्किंग आवर्स हैं या दिन में जब तक आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप टीचर से बात करो, अपनी दिक्कत उनके सामने रखो, जाहिर सी बात। और इतना मैं अश्योर कर देता हूँ कि स्टार के टीचर्स आज से नहीं, जब से खुला है तब से स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली रहे हैं, एकदम अपने परिवार की तरह मानते हैं। तो अगर आप अपनी कोई दिक्कत बताएंगे तो वो उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे वो उनके परिवार की दिक्कत हो, तो इसलिए आप इस चीज के लिए परेशान मत हो। बाकी दूसरी चीज ये है, टीचर का सपोर्ट आपके पास है, सारे नोट्स आपके पास हैं, क्वेश्चन बैंक आपके पास है, आपको बस क्या करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है और टीचर से डाउट पूछने हैं। पर डाउट पूछने हैं, डाउट भी कोई ऐसा नहीं है कि डाउट आ रहा है एकदम, जाहिर सी बात है अब तक आपने इतना पढ़ लिया होगा और डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे, तो बेहतर है कि अपने डाउट्स ना आने दें। वो कैसे पॉसिबल होगा, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। सो इट्स बेटर कि इस समय आप अपना रिविजन करिए, क्वेश्चन लगाइए, बाहर की जो भी चीज हो रही है उस पर आप ध्यान ना दीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है स्टे होम स्टे सेफ, तो आप घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, यही आपके लिए सही है। जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम से रिलेटेड वो आपको बता दी जाएगी। फिलहाल एग्जाम पोस्टपोन हो गया है जैसा आपको सब लोगों को पता होगा, तो परेशान मत होइए, लगे रहिए। याद रखिए, इस समय जो लगेगा वही जीत जाएगा, जो टिका रहेगा वही जीतेगा। आपकी जरा सी लापरवाही होगी और आपको फिर एक साल लग जाएगा, एक साल और देना पड़ जाएगा, तो ये एक साल ना देना पड़े आप को, जल्दी से कॉलेज में आना पड़े, इसके लिए आप बस ये एक दो महीना जो भी बचा है उसमें अच्छे से लगे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना 100% एफर्ट दीजिए। ये दो महीना 100% एफर्ट दीजिए, फिर पूरी लाइफ अपनी आपकी एकदम सही रहेगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टडी हार्ड, वेरी हार्ड। थैंक यू।